वेलकम टू ऑल ऑफ यू पीवीआर स्टडी फ्रेंड्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आज पढ़ाने चल रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। आप लोग को बताए थे प्रश्नवाचक वाक्य में दो टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा होता है और सेकेंड टाइप से जब हमारा वाक्य कैसे शुरू होता है। दोनों को ट्रांसलेशन करने का नियम अलग अलग है, तो देखते हैं। सबसे पहले जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द आए। प्रश्नवाचक वे शब्द कौन कौन से हैं, जैसे कितने, कब, क्या, कहां, किसे, कौन इत्यादि। तो देखते हैं इसका नियम क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस सब हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड आप लोग को पहले इंफॉर्मेटिव बता दिया गया, हैज, हैव। फिर क्या है सब्जेक्ट, फिर क्या है मेन वर्ब। मेन वर्ब वही थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। इस विद्यालय के कई बच्चे इस परीक्षा में क्यों फेल या असफल कहिए, असफल हो गए हैं। ओके फ्रेंड्स, कह रहा है इस विद्यालय के कई बच्चे इस परीक्षा में क्यों फेल या असफल हो गए हैं। तो इसको सबसे पहले ट्रांसलेशन करने के लिए क्वेश्चन वर्ड लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, क्यों, तो क्यों है, तो इसकी मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, व्हाई। अब उसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार, हैज या हैव। हैज है, हैज लगाना है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव लगाना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। कह रहा है इस विद्यालय के कई बच्चे, तो कई बच्चे क्या है आपका सब्जेक्ट है प्लूरल अर्थात हैव, हैव। फिर सब्जेक्ट क्या है, मेनी स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट के साथ एडजेक्टिव प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है ये ऑफ। इस विद्यालय अर्थात दिस स्कूल, दिस स्कूल। इस विद्यालय के कई विद्यार्थी। अब क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या मेन वर्ब, मेन वर्ब असफल हो चुके हैं अर्थात क्या है फेल्ड। थर्ड फॉर्म लगाते हैं इसमें फेल्ड। किस परीक्षा में, इस परीक्षा में। तो सबसे पहले हम प्रीपोजिशन लिखते हैं, तो इन लिखेंगे इन दिस एग्जामिनेशन। ओके फ्रेंड्स, इस परीक्षा में दिस क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सिंगुलर है, इसके बाद आने वाला नाउन क्या है सिंगुलर है। तो इसी प्रकार सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए देख लेते हैं। उसे मैं अंग्रेजी कब पढ़ाया हूँ, उसे मैं अंग्रेजी कब पढ़ाया हूँ
आपको बताया गया था वाक्य के अंत में या तो चुका है, चुके हैं, चुकी है, या चुका हूँ, या आ ए ई प्लस है या हूँ आता है। तो यहाँ लास्ट में देखिए क्या है, आ प्लस हूँ, अर्थात आपका क्या कार्य पूरा है। तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन है, कब, तो इसको हम पहले ले लेंगे व्हेन। व्हेन का अर्थ जब होता है, परंतु जब या अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तब, परंतु यहाँ पे क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो व्हेन का अर्थ हो जाएगा कब। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है मैं, यहाँ पे क्या होगा हैव, आई पढ़ाया हूँ, टाट किसे पढ़ाया हूँ उससे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका अंग्रेजी हिम, इंग्लिश मैं उसे अंग्रेजी कब पढ़ाया हूँ। वह कक्षा में एक पत्र कब लिखी है, कह रहा वह कक्षा में एक पत्र कब लिखी है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है वेन, पहले वेन फिर हैज, हैज लिखेंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी लिखना रिटेन मेन वर्ब है, रिटेन वह लिखी है, लिख चुकी है, अ लेटर इन द क्लास। इन द क्लास कक्षा में। आप देख लेते हैं सेकंड टाइप्स क्या कहता है। सेकंड टाइप्स फ्रेंड्स क्वेश्चन वर्ड को हम हटा देते हैं, सेकंड टाइप्स ट्रांसलेशन करने के लिए क्वेश्चन वर्ड हटा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, अर्थात अब आप ट्रांसलेशन किससे करेंगे शुरू, हेल्पिंग वर्ब से। सेकंड टाइप्स है जब वाक क्या से शुरू हो, जब हमारा वाक्य क्या से शुरू हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हेल्पिंग वर्ब है क्या है, हैज है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या लगाएंगे थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट के बाद वाक्य में जो कुछ भी एडवर्ब बचता है उसे हम लिखते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, क्या, क्या वह किसान, क्या वह किसान खेत में अपना कार्य, अपना कार्य पूरा कर लिया है, पूरा कर लिया है या पूरा कर चुका है। क्या से शुरू होता है कोई भी वाक्य, चाहे जिस टेंस का हो, उस टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं। तो इस समय हम क्या कर पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हैज या हैव से शुरू करेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे हैज लिखेंगे, हैज किसान सब्जेक्ट है और उसके पहले एडजेक्टिव लिखा हुआ है, अर्थात दैट वह किसान, फार्मर वह किसान है, दैट फार्मर वह किसान पूरा कर लिया है, कंप्लीटेड क्या पूरा किया है वर्क, मेन वर्ब में क्या या किसे लगाने से ऑब्जेक्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्या पूरा कर लिया है वर्क किया है अपना, तो हिज वर्क खेत में, इन द फील्ड,
इन द फील्ड। इसी प्रकार प्लूरल सब्जेक्ट देख लेते हैं, क्या कक्षा 5 के विद्यार्थी, क्या कक्षा 5 के विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं? कह रहा है क्या से हमारा वाक्य शुरू है, अर्थात सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, इसलिए यहाँ पे हैव। अब आपका क्या है? सब्जेक्ट है और विद्यार्थी स्टूडेंट्स ऑफ कक्षा 5 की, क्लास फिफ्थ कक्षा 5 के विद्यार्थी क्या किए हैं? हिस्सा ले चुके हैं। आप क्या है? मेन वर्ब है पार्टिसिपेटेड, हिस्सा ले चुके हैं। किसमें हिस्सा ले चुके हैं? इस प्रतियोगिता में। तो प्रीपोजिशन का कहाँ है? में। लिखेंगे इन दिस कंपटीशन, इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं कक्षा 5 के विद्यार्थी क्या कक्षा 5 के विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जो कि लास्ट सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। टेंस, आप में 90% विद्यार्थी टेंस, सभी टेंस जानते हैं लगभग, इसीलिए जल्दी जल्दी से टेंस समाप्त करके हम अपना लक्ष्य पूरा कर रहे हैं। इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच इन डिटेल में आप सभी को विस्तृत पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, सेम वही नियम, नॉट का प्रयोग आपको बताया गया है। यदि नॉट और सब्जेक्ट का प्रयोग एक साथ होता है तो नॉट का प्रयोग हम हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद करते हैं, चाहे वह हेल्पिंग वर्ब के बाद है, चाहे जिस पोजीशन पर आए, नॉट का प्रयोग हम जस्ट सब्जेक्ट के बाद करते हैं। देखते हैं जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, वही थर्ड फॉर्म, प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, वे अध्यापक कक्षा में कुछ बच्चों को
बच्चों को पुस्तक क्यों नहीं पढ़ा चुके हैं या पढ़ाए हैं? तो कह रहा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो आई हैव सब्जेक्ट आप क्या है अध्यापक, डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है दोज, इसके बाद नाम क्या करेंगे प्लूरल टीचर्स, टीचर्स, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, मेन वर्ब क्या है पढ़ाना टाट, पढ़ा चुके हैं क्या पढ़ा चुके हैं, सब्जेक्ट काउंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ पे आल का प्रयोग करेंगे, आप बुक किसको पढ़ाने की बात हो रही है कुछ बच्चों को, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो सबसे पहले आप बुक लिखने से पहले हम लिखेंगे सम स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स आ बुक इन द क्लास, ये आपका रहा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन व्हाई हैव दोज टीचर्स सम स्टूडेंट्स आ बुक इन द क्लास, बगीचे में कितने फल, तुम बगीचे में कितने फल तोड़े हो, तोड़े हो अर्थात तोड़ चुके हो, कार्य पूरा है ना, यहाँ पर ए है आया है ए प्लस है अर्थात कार्य पूरा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की तलाश करते हैं कितने फल, फल क्या होता है काउंटेबल नाउन, इसलिए क्या प्रयोग करेंगे हाउ मेनी, हाउ मेनी फ्रूट्स, हाउ मेनी फ्रूट्स, इसके बाद क्या है तुम सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव, हाउ मेनी फ्रूट्स हैव फ्रेंड्स, सॉरी इसके लिए आप लोग क्या पढ़ रहे हो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे नहीं शब्द प्रयोग होना चाहिए, तुम बगीचे में कितने फल नहीं तोड़े हो, तो यहाँ पे नहीं का प्रयोग करना भूल गए थे अतः यहाँ पे नहीं का प्रयोग हो गया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या करेंगे यू फिर नॉट प्लक्ड तोड़े हो बगीचे में इन द गार्डन, इन द गार्डन, तो सेकंड टाइप्स देख लेते हैं, सेकंड टाइप्स जब वाक क्या से शुरू हो, जब वाक क्या से शुरू हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करना होता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, एग्जांपल देखते हैं क्या मैं उसे यह कविता पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ा चुका हूँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस,
नहीं पढ़ा चुका हूँ। हमारा वाक्य क्या से शुरू हो रहा है? तो यहाँ पे हैव आई नॉट टॉट दिस पोयम। हैव आई नॉट टॉट दिस पोयम। क्या राहुल नदी में नहीं कूदा है? राहुल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे। राहुल नॉट जंप्ड इनटू द रिवर। हैज राहुल नॉट जंप्ड इनटू द रिवर। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स।